महानगर की सफाई को लेकर चाक चौकंद व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सफाई को लेकर मिल रही शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने शुक्रवार को महानगर के सभी 70 वार्डों के सफाई कर्मियों को कलेक्ट्रेट परिसर में बुलाकर हाजिरी लगवाई और उनके फोटोग्राफ भी कराए। इस व्यवस्था में एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ और एडीएम सदर गजेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम और नगर निगम के कर्मचारियों ने एक एक सफाई कर्मियों को उपस्थिति चेक किया और उनका फोटो भी खिंचवाया, जिससे जानकारी हो सके कि कौन सा सफाई कर्मी किस वार्ड में काम करता है। आपको बता दें कि डीएम को अक्सर ये शिकायत मिलती थी कि वार्डों में सफाई नहीं हो रही है, वार्डों में लगाए गए सफाई कर्मियों की संख्या कम है। इस पर जब डीएम ने जांच कराई तो वार्डों में सफाई कर्मियों की उपस्थिति कम मिली, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी कर्मियों को बुलाकर उनकी उपस्थिति चेक कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया। सभी अपने वार्ड वाली बैठेंगे, एक वार्ड के सभी कर्मचारी एक एक जगह बैठेंगे, ऐसा तो नहीं बैठे ऐसे अपने वार्ड बैठो। गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो ठेकेदारों के द्वारा जो है सफाई व्यवस्था की कार्य कराए जा रहे हैं। एक के पास, जैसा कि आज मीटिंग में बताया कि उसके पास 852 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, दूसरे के द्वारा बताया गया कि मेरे पास 1000 कार्मिक हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम के 763, उसी मकसद से इन तीनों को, एक तो आउटसोर्सिंग से जो दोनों ठेकेदार हैं उनके सफाई कार्मिक, इसके अतिरिक्त जो नियमित सफाई कर्मिक नगर निगम के हैं, सबको बुलाया गया है। बुला करके इनका भौतिक सत्यापन हो रहा है, इनका एक रिकॉर्ड भी तैयार किए जा रहे हैं, नाम पता मोबाइल नंबर, वार्ड वार इनको बैठाया गया है और एक एक का फ़ोटो भी खींचा जा रहा है, ताकि फिजिकली 852 या 1000 या 763 की विद्यमानता है कि नहीं है। दूसरा, रिकॉर्ड बनने के बाद इनको मौके पे वार्डों में भी जाकर के इनका सत्यापन होगा कि आज यदि ये उपस्थित हुए थे तो मौके पे भी ये वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी मकसद से इसका सत्यापन का कार्य चल रहा है। इनका हर एक का फोटोग्राफी कराई जा रही है और उनके नाम के सामने फ़ोटो की हार्ड कॉपी लेकर के वो चस्पा भी किया जाना है, ताकि क्लियर कट रहे कि ये कार्मिक है, इसका ये फ़ोटो है और इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसमें निर्देश अब जो है, सुबह माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक लिया गया था नगर निगम का, तो उसमें सर के द्वारा निर्देश सब कुछ ये दिए गए हैं कि ये सुबह प्रातः जो है, अभी तक ये 7 बजे से 11 बजे तक सफाई की कार्य होते थे, अब जो है 6 बजे से प्रारंभ होगा और सेकेंड हाफ में गैंग के रूप में सफाई के कार्य होंगे। इसके अतिरिक्त जो इनके 70 वार्डों में 42 जगह इनके कूड़ा घर के रूप में अस्थाई कूड़ा घर हैं, वहाँ पे एक एक कार्मिक की तैनाती रहेगी और जो इनके कूड़ादान जगह जगह लगे हैं उसमें जो है 2 पे 1 कार्मिक रहेंगे, ताकि वो व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कि इधर उधर कूड़ा बिखरने न पाए,
साथ ही साथ जो इनका कूड़ा उठान का है वो रोस्टर करके दिन में अलग ड्राइवर, रात में अलग ड्राइवर रखने की जो है सर के द्वारा निर्देश दिया गया है, और प्रतिदिन चाहे वो कूड़ादान हो या फिर कूड़ा घर हो वहाँ से जो है कूड़ा उठना है। कहीं भी सड़क पे जो ढेर के रूप में लोग रखते हैं झाड़ू लगा करके, वो कदापि नहीं होनी है, वहाँ से उठ करके या तो कूड़ेदान में जाएगा या कूड़ा घर में जाएगा।